मैं तो आता रहता हूँ। आज ये कार्यक्रम सबसे मिलने का था, सम्मान समारोह था हमारा, और ऐसे कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। पहले रोहतक हुआ, अब यहाँ हुआ है, अगला हम पानीपत में करेंगे। इस तरह बड़ी बड़ी शहरों से करेंगे ताकि सभी साथियों से मिल सकें और बातचीत कर सकें, उनकी समस्या जान सकें, ताकि आगे उनके ऊपर आवाज़ उठाएं। हुड्डा साहब क्या कहेंगे कि कल मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं जनसंवाद, अब उन्हें याद आया जनसंवाद कार्यक्रम चुनाव 9 साल के बाद याद आया, अब तो शुरू से कर रहे हैं। खास तौर पे क्या रहेगा, आप करनाल में भी मिले हैं कार्यकर्ता है? करनाल में भी मिलके हैं पुराने कार्यकर्ताओं से, करनाल में भी रोहतक में भी सभी कार्यकर्ता को मिलते हैं। कार्यकर्ता ही जो है पार्टी की जान होती है, कमर की हड्डी हड्डी जो है कार्यकर्ता ही होते हैं और वही समाज की लड़ाई लड़ते हैं। आज जो है कार्यकर्ता जो है बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, और दूसरी पार्टियों से भी बहुत लोग आ रहे हैं। लोकसभा 2024 लोकसभा चुनाव का कोई शुरुआत तो नहीं, मंथन तो नहीं हो रहा? चुनाव तो होंगे ही, लेकिन हमारा कार्यक्रम तो पहले से चल रहा है। आज अलग अलग रूप लेता है कार्यक्रम, विपक्ष आपके समक्ष भी चल रहा है, हाथ से हाथ जोड़ो भी चल रहा है, और ये कार्यक्रम भी चल रहा है। हमारा पार्टी का निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे। हुड्डा साहब आज मन की बात का 100वां एपिसोड था, पूरे हरियाणा में बड़े बड़े प्रोग्राम करे गए, क्या कहेंगे भाई? मैं तो सफर में था, मैं देखा नहीं, ठीक है, लेकिन मन की बात अपनी सुना रहे हैं, लोगों की नहीं सुन रहे। आप भी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं आप इस तरह का कार्यक्रम करेंगे, लोगों अपनी बात सुनाएंगे? लोगों तो लोगों ही सुनेंगे भाई, मन की बात तो लोगों ही होनी चाहिए। इतना जनसलाह पहुंचा है यहाँ पे, क्या कहोगे सर? ये दिखा रहा है कि जन समर्थन कांग्रेस की ओर जा रहा है, और आने वाले चुनाव में केवल लोग कांग्रेस के ही तरफ देख रहे हैं, ऑल्टरनेटिव कांग्रेस को ही मान रहे हैं। हुड्डा साहब दिल्ली में किस खिलाड़ी बैठे हुए कई दिनों से, कल दीपेंद्र जी भी गए, प्रियंका गांधी भी गए, आज रॉबर्ट वाड्रा साहब गए, क्या कुछ कहेंगे खिलाड़ियों के समर्थन में, पूरा देश जुटता है? मैं तो 3 दिन पहले गया था वहाँ जोन में, और यही जो हमारे खिलाड़ी बैठे हैं वहाँ पे, वो देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, जिनको स्टेडियम में होना था, जिन खिलाड़ियों को आगे की तैयारी करने के लिए, वो क्यों मजबूर हुए जंतर मंतर में बैठने के लिए, क्यों मजबूर हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए, इसकी गहराई से जांच होना चाहिए। गंभीर मामला है और उनको न्याय मिलना चाहिए। कि ये खेल जगत के लिए बड़ी मैं कहूँगा एक दुर्घटना है, और बड़ी शर्मनाक बात है कि देश के प्रदेश के इंटरनेशनल लेवल के हमारी जो महिला पहलवान हैं वो अपने शोषण के खिलाफ कई दिनों से जंतर मंतर के धरने पर, और अल्टीमेटली उनकी सुनवाई हुई जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात, देखिए इसका पीछे भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के बाहुबली सांसद इसमें इन्वॉल्व हैं, और भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है क्रिमिनल को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। आपने देखा है कि लखीमपुर खीरी कांड हुआ, होम मिनिस्टर और टैनी हैं, उनका लड़का का मर्डर में चलान हो गया, सुप्रीम कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो गया, उसके बावजूद भी वो मिनिस्ट्री में बने हुए हैं। सो दैट इज द पॉलिसी ऑफ बीजेपी। अब इसमें पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज हुआ है, एज ए लॉयर मैं कह सकता हूँ कि इमीडिएटली जिसके खिलाफ एलिगेशन है उसको गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार के अंडर आ रही, इसलिए क्योंकि वो उनकी डायरेक्शन से चलेगी, इसलिए प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर कि राजनीति कर रही है। नहीं सर, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके दल के लोग वहाँ नहीं गए हैं? पहलवान देश की संपत्ति है और सभी पार्टियों के लोग वहाँ गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर सरकार में जरा सी भी शर्म बाकी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, विदाउट एनी डिले देर शुड बी एन अरेस्ट।